वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 15 होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो स्टार्ट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स अपन बात करेंगे। तो वही फोल्डर के अंदर मैं आप लिख देता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डॉट आर। ये मैंने फोल्डर फाइल का नाम दे दिया। तो सबसे पहले तो लाइक क्लासेस स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ सिंटेक्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पहले कमेंट कर देता हूँ सिंटेक्स ऑफ क्लास, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले तो जो क्लास है उसमें क्लास नेम आएगा, तो क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे अपन फील्ड्स दे सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकता है, मेथड हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, वो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। से ये फील्ड्स हैं, यहाँ पे गेटर सेटर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप होते हैं क्लास के। तो और क्लास एक जो क्लास है ये एक कीवर्ड है, और क्लास नेम मतलब उस क्लास का नाम जो अपन लिखना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, एक क्लास को डिफाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो वॉइड मेन, वॉइड मेन, और इसके अंदर अपन लिख देंगे सॉरी, इसके अंदर कुछ लिखेंगे, क्लास बनेंगे। लेट्स से क्लास देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के नाम पे एक क्लास है, STUDENT, सेकेंड लगता है, ठीक है। स्टूडेंट के नाम पे मैंने क्लास बना दिया। अब इस क्लास के अंदर अपन वेरिएबल देते हैं। लेट्स से मैं देता हूँ नेम, वेयर देता हूँ मैं एज, एंड लेट्स से रोल नंबर, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन बनाएंगे, सॉरी क्लास फंक्शन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे अपन एक क्लास का फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से स्टूडेंट नाम से ही बना देते हैं, STD स्टूडेंट नेम, ये रहा फंक्शन। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, नेम प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रिंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं माई एज इज दिस, एंड यहाँ पे अपन लिख देते हैं माई रोल नंबर इज दिस, ठीक है। ये अब एक काम करते हैं, ये क्लास है ना, क्लास को अपन किसी भी नई फाइल्स फाइल के अंदर स्टोर करके भी कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे अपन क्लासेस एंड OBJ, ओके BJE की जगह OBJ की जगह BJ होगा, तो OBJ, ठीक। ये हो गया। अब मैं काम करता हूँ, ये जो क्लास स्टूडेंट है इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं STU.DOT, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है इसको मैं वॉइड के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं STUD स्टूडेंट आऊँगा, तो देखो यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर इसने इंपोर्ट कर लिया ST, ये, और S1 डॉट। अच्छा अब मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, आगे करते जाऊँगा, इसमें तो चलता रहेगा ये। लाइक मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। क्लास ये बन चुकी है, इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब जब भी क्लास कॉल होगी, मतलब ये फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर तो इसी के नाम से होगा, सॉरी। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जो जब भी ये कॉल होगा तो इसके अंदर जितनी वैल्यू स्टोर होंगी वो सारी सारी प्रिंट हो जाएगी। एक काम करते हैं, और ये मैंने क्या किया, ये क्लास है, क्लास के ऑब्जेक्ट ऐसे बनते हैं। ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस क्लास के जितने फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो ये कैसे करेंगे अपन, तो लेट्स से S1 डॉट नेम मैंने ये दे दिया, S1 डॉट एज दिस, एंड S1 डॉट रोल नंबर 1। अब मैं S1 डॉट प्रिंट डिटेल करूँगा, प्रिंट डिटेल है नहीं, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं S1 के अंदर अपने पास क्या क्या है। S1 के अंदर है ST, एक सेकेंड, STD नेम है क्या, हाँ STD नेम है, और लेट्स रन दिस। ये देखो माई नेम इज़ रमन, माई नेम इज़ रमन। इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट की मदद से ये जो जितने भी अपन ने दिए हैं वो सारे के सारे इस STD नेम के अंदर स्टोर हो चुके हैं, और अब ये प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। अब मान लो एक काम करते हैं अपन, है ना, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, स्टूडेंट S2 दिस, एंड
यहाँ पे मैं सेम टू सेम यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं S2 दे दूँगा क्योंकि अपन को S2 से मतलब है, ठीक। और लेट्स डू दिस और S2, ठीक है। लेट्स से नाम में मैं देता हूँ, लेट्स से सब्सक्राइब, CRI सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स से एज आपकी मैं 1 दे देता हूँ, लेट्स से 21, ठीक है। रोल नंबर 01 है, ये दे देते हैं। और लेट्स रन दिस, तो पहले कमेंट कर दो क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, नेम ये रहा, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। और ऐसे ही अपन क्लासेस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं लाइक ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इसका सिंटेक्स भी देख लिया। तो ऑब्जेक्ट बन चुका है तो इसका सिंटेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होता है कि वेयर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, ऐसे लाइक ये जो भी क्लास का नेम होगा वहाँ पे क्लास नेम आ जाएगा, इससे एंड दिस होगा। इससे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है, दोनों ही किया जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब अपन कंस्ट्रक्टर का देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और std name, और यहाँ पे ही एक स्टूडेंट std student name करके, एक सेकेंड, और स्टूडेंट दिस एंड दिस, वेट अ सेकेंड, एंड दिस एंड प्रिंट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर एंड दिस, ठीक है। अभी मैं इसको कॉल नहीं करता हूँ एंड इसको भी कॉल नहीं करता हूँ, एंड लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है। हो क्या रहा है ना, कंस्ट्रक्टर का काम सिंपल से ये होता है कि जितनी बार वेरिएबल्स को कॉल करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपने इसको 1 बार कॉल किया, 1 बार ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये चाहे ऊपर के आपने फंक्शन को कॉल किए हो चाहे ना किया हो, इट डजेंट मैटर, ये तो रन होगा ही होगा। ये होता है कंस्ट्रक्टर का काम। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 बार अपन ने इसको यूज़ किया है, या 2 बार अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो 2 बार ये हो गया कंस्ट्रक्टर रन हो गया। तो यही काम होता है कंस्ट्रक्टर का कि आप उसको चाहे रन करो, चाहे मतलब ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को रन करो या ना करो, उसके अंदर वो रन तो होगा ही होगा। ये होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर ना अपन पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको तो अभी कमेंट आउट कर देते हैं। और ये याद रखना, कंस्ट्रक्टर का नेम मतलब जो कंस्ट्रक्टर के अंदर दोगे वो और ये क्लास का नेम दोनों सेम होना चाहिए, तब ही ये काम करता है, नहीं तो ये काम नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से नेम दिस एंड दिस एंड प्रिंट के अंदर लिख देते, दिस इज़ अ मेथड, और जैसे मैं इसमें रन करूँगा तो देखना ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अपन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की बात कर मतलब पैरामीटर्स की बात करते हैं। पैरामीटर्स का मतलब, अभी तो अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है, कि ये अपन इसको स्टोर कर रहे हैं उसके बाद, लेकिन इसका एक और मेथड है। तो एक काम करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं इसी के अंदर, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अनदर क्लास, अनदर क्लास डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनदर क्लास, ठीक है, ये अनदर क्लास है। अब इसके अंदर अपन लिख देते हैं, से प्रिंट ही लिख देते हैं अपन, कि जो भी अपन इसको कॉल करेंगे वो प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटिंग, ये एक आप क्या कहते हैं फंक्शन का नाम हो जाएगा, ये लेगा एक स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे प्रिंट कर देगा नेम को। सी मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और दिस इज अ डॉलर नेम, ठीक। ये क्या करेगा ना, अपन अब होगा क्या मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, लेट्स डू दिस थिंग एंड दिस एंड इग्नोर करना पीछे डॉट, ठीक है। एक सेकेंड मैं देखता हूँ कि हाँ आवाज़ सही जा रही। तो एक काम करते हैं, अभी अपन है ना ये स्टूडेंट को इंपोर्ट की जगह अनदर क्लास को इंपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं
और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अनदर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अनदर क्लास, अनदर क्लास, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं लिस्ट, हमने एक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना दिया है, और A1 डॉट प्रिंटिंग अपन ने इसको डायरेक्ट इसके अंदर पास कर दिया। अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ नेम लिख देते हैं यहाँ पे, लाइक प्रिंटिंग, तो दिस इज अ, या फिर ऐसा करते हैं, आवर नेम इज, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो ये हो चुका है, ठीक है, एंड दिस इज एट योर नेम इज, ठीक। तो ये तो लाइक ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, लेकिन दिस इज नॉट इट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर तो बता ही दिया मैंने, कंस्ट्रक्टर होता है, और भी पॉलीमॉर्फिजम्स भी होते हैं इसके अंदर, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, इसका मतलब अपन कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसके अंदर अपन पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एंड दिस, और देखिए बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस, यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर्स का, ठीक है। हाँ, तो लाइक कंस्ट्रक्टर हो चुका है, कंस्ट्रक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स अब बात करते हैं अपन दिस कीवर्ड की। ये जो अभी दिस कीवर्ड आया था, इसका मतलब होता है दिस इज रेफर्स, इसका लाइक डेफिनेशन ये कि दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर द करेंट क्लास ऑब्जेक्ट, इट इंडिकेट द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास मेथड और कंस्ट्रक्टर। इसको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नई फाइल फोल्डर बनाते हैं, जिसके नई फोल्डर क्या, हाँ चलो इसके अंदर एक नया फोल्डर ही बना देते हैं, सही रहेगा। लर्निंग दिस, ठीक, दिस लर्न करना चाह रहे हैं दिस कीवर्ड, और यहाँ पे मैं एक लेट्स से मेन डॉट डॉट, यहाँ पे मैं मेन डॉट डॉट बनाता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास बना देता हूँ, जैसे क्लास मैंने बना दी, मोबाइल की क्लास बना दी है, ठीक है, लाइक मोबाइल, मोबाइल की मैंने क्लास बना दी है। तो लेट्स से मोबाइल में क्या क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका प्राइस हो सकता है, राइट। तो ऐसा प्राइस कर देते हैं, और अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ नेम एंड प्राइस, अपन नेम एंड प्राइस, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे दिस एंड दिस, ओके, सो नेम मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ओके। तो नेम के अंदर अभी के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, तो लेट्स काम करते हैं, नेम के अंदर अपन कुछ इनिशियलाइज कर देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड वन, या प्राइस एक दे देते हैं, जैसे एक भी दे देते हैं, 10,000 का एक मोबाइल आता है भाई आजकल, तो 10,000 कर देते हैं सिंपल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रिंट कर देते हैं। और एक काम करते हैं इसको ना, थोड़ा सा ईयर की जगह से प्राइस की जगह मैंने यहाँ पे 12,000 13,000 कर देते हैं, एंड अब एक काम करते हैं इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। मोबाइल नेम इज टॉलर नेम एंड प्राइस इज प्राइस, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लाइक हो चुका है, और इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे वॉइड मेन, ताकि सबसे पहले यही कॉल होगा जो भी होगा। और यहाँ पे मोबाइल MOB इज इक्वल्स टू न्यू मोबाइल सैमसंग एंड 1,000, लेट्स डू दिस एंड लेट्स रन दिस। देखो मोबाइल इज सैमसंग एंड द प्राइस इज 13,000, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है,
कि अपन ने प्राइस तो दे दी लेकिन अपन लास्ट में प्राइस को ओवरराइड भी करे जा रहे हैं, ठीक है समझे, कि प्राइस तो अपन ने दे दी लेकिन अपन प्राइस अपन बाद में उसको रिवर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड, तो एक काम करते हैं इसमें ना अपन दिस डॉट नेम डाल देते हैं एंड दिस डॉट प्राइस डाल देते हैं और फिर रन करते हैं। लेट्स थिंक, ओके देखो 10,000 टारगेट, इसका मतलब इस प्राइस में ये वाली प्राइस के, ओके लेट्स एक काम करते हैं इसको दिस, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो इसमें क्या हुआ ना कि ये जो 12,000 जो अपन ने पास करी है ना वो प्राइस यहाँ पर शो हो गई, पहले जब अपन दिस यूज़ नहीं कर रहे थे तो 13,000 प्राइस शो कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये है द दिस कीवर्ड इज यूज टू पॉइंट द करेंट क्लास ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू रेफर द प्रेजेंट ऑफ क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई थिंक यही होता है और दिस कीवर्ड, क्योंकि अपन इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाह रहे हैं तो लाइक इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाह रहे हैं इसलिए अपन दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लाइक ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ही था। अगले, अच्छा इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो इनहेरिटेंस भी अपन करेंगे। इनहेरिटेंस में अपन दो क्लास को इनहेरिट करके करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं होना चाह रहा। तो और ये जो जितना भी है ये सारे का सारा आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो मैं गिट कमिट माइनस एम, मैं लिख देता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड डार्ट गेट पुश एंड जितना भी है ये सारा का सारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो, हाँ मैंने पता है वीडियो नंबर 14 ने बोला था कि जल्दी आ जाएगी, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है वॉइस वगैरह की, मैं बीमार हो गया था एक आध दिन के लिए, तो अभी थोड़ी सी तबीयत सही है। और अगर किसी को ब्लॉग पढ़ना है इसका थोड़ा सा लाइक रिफाइंड वर्जन ब्लॉग का, तो मैं एक सेकेंड, इस पर तो नहीं है, हैश नोड पर आपको पूरे के सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। और हैश नोड के अंदर लाइक मैं जितने भी मैंने अब तक जितने भी टॉपिक्स बनाए बता वीडियो बनाई उन सभी के आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।